हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। ये वाली वीडियो बड़ी लेट डली है ड्यू टू हेल्थ इश्यू, बट लास्ट वीडियो में जैसे हमने फंडामेंटल में हमने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पढ़ा था, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग में हमने देख लिया था कि हमारे को पर मंथ अगर हमने पैसे निकालने हैं तो हमारे को कितना रेट देना पड़ेगा, या क्वार्टरली हमने सीख लिया था। ये दो चीजें हम सीख चुके थे। अब हमें जो सीखना है इस वीडियो में, वो हमें क्या सीखना है, 9 मंथ, 6 मंथ एंड 3 मंथ। तो स्टूडेंट्स, बहुत इजी है ये निकालना। अगर आपने मेरे लास्ट वीडियोस देखे होंगे तो आप इनको बड़े इजीली निकाल सकते हो। हमारे को जरा सा टाइम लगेगा इसे करने में, तो पूरा वीडियो जरा ध्यान से देखना। अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो स्टूडेंट्स, अब हम सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग में निकालने सीखते हैं 9 मंथ की। हम हाउ टू कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इफ अ पर्सन विदड्रॉ मनी every month in regularly in 9 months, for 9 months, तो हम कैसे उसको निकालेंगे, कैसे हम उसको डील करेंगे। तो देखिए, वही हमारा पुराना पैटर्न होगा इसके अंदर। एक एक क्वेश्चन देखेंगे हम, 9 मंथ का, 6 मंथ का और 3 मंथ का। देखिए, एक पार्टनर है ए, जो 5,000 rupees पर मंथ निकाल रहा है फॉर 9 मंथ इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ। ओके, इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ हम बार को ये देखना है। बी है एक पार्टनर, वो भी 5,000 rupees पर मंथ निकाल रहा है फॉर 9 मंथ इन द एंड ऑफ एवरी मंथ। और अब सी लेंगे तो सी क्या करेगा, एक पार्टनर है सी, वो क्या कर रहा है, 5,000 rupees पर मंथ निकाल रहा है फॉर 9 मंथ इन द मिडल ऑफ एवरी मंथ। तो स्टूडेंट्स, ये तीन आपके तीन पार्टनर है एबीसी। एक 5,000 रुपए हर महीने निकाल रहा है, जो हमेशा 1 तारीख से लेकर 10 तारीख के बीच में हर महीने निकाल रहा है। दूसरा है बी, जो 5,000 रुपए निकाल रहा है पर वो 21 तारीख से 30 और 31 तारीख तक निकाल रहा है। और थर्ड पार्टनर है सी, जो 5,000 रुपए निकाल रहा है मिडिल में, मतलब 11 to 20 तक, ठीक है, मतलब मिडिल में निकाल रहा है। तो जैसे हमने देखा था कि 9 मंथ है, तो सबसे पहले हमारे को इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालना हो तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का फॉर्मूला हमारा क्या था, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज इक्वल टू टोटल ड्राइंग मल्टीप्लाई बाय रेट अपॉन 100 into मंथ यूज। तो हमारे को इसमें कितना, कैसे पता लगेगा कि इसने कितने महीने तक यूज करा, इसने कितने महीने तक यूज करा, इसने कितने महीने तक यूज करा। और इन तीनों में अगर मैं ले लूं तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का जो रेट है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना परसेंट है, 5% है। इसमें भी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 5% है और इसमें भी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 5% है। तो अगर हमारे को निकालना हो तो हम कैसे निकालेंगे, तो चलो इसका सॉल्यूशन देखते हैं। अब हम सॉल्यूशन, तो सबसे पहले आप फॉर्मूला में देखो हमारे को क्या चाहिए, टोटल ड्राइंग कितनी है वो देखिए। टोटल ड्राइंग हमारी हो जाएगी, टोटल ड्राइंग इज इक्वल टू एक महीने में 5,000 निकाले तो 5,000 मल्टीप्लाई बाय कितने महीने तक निकाले, 9 महीने तक निकाले तो 9 इज इक्वल टू 45,000। टोटल ड्राइंग आ गई हमारी 45,000। ऐसे यहां पर आ जाएगी हमारी टोटल ड्राइंग इज इक्वल टू 5,000 मल्टीप्लाई बाय 9 इज इक्वल टू 45,000।
और यहाँ पे भी ऐसी आ जाएगी टोटल ड्रॉइंग इज इक्वल टू 5000 मल्टीप्लाई बाय 9 इज इक्वल टू 45000। तो स्टूडेंट्स ये तो आ गई आपकी टोटल ड्रॉइंग। टोटल ड्रॉइंग निकालने के बाद आपको क्या देखना है, फॉर्मूले को पुट कर देना है, ठीक है। बट अगर हम आपको मंथ निकालना है, मंथ भी तो निकालना है हमें, मंथ को कैसे निकालेंगे हम वो देखिए। इन्होंने कहा 9 मंथ तक निकाली, 9 मंथ तक निकाली और बिगनिंग में निकाली। तो जब मैंने आपको लास्ट वीडियो अगर आपने देखी हो तो मैंने आपको अच्छे से डिस्क्राइब किया है कि अगर हम बिगनिंग में निकालते हैं और जितने महीने तक निकालते हैं तो इसके अंदर हम प्लस कर देते हैं, प्लस कर देते हैं। जैसे पर मंथ निकाल रहे हैं तो कितने महीने होते हैं, एक एक मंथ का गैप है ना। जैसे क्वार्टर में 3 का गैप था कि हर तीसरे महीने निकाल रहे थे तो हमने 3 को प्लस कर दिया। ऐसे ही यहाँ पे क्या है, एक एक का गैप है, पर मंथ निकाल रहे तो मतलब एक का गैप है। तो यहाँ पे प्लस 1 कर देंगे हम, डिवाइड कर देंगे 2 से, तो ये हो जाएगा 10/2 इज इक्वल टू 5 मंथ। मतलब इन्होंने पैसा कितने महीने तक यूज करा, 5 महीने तक करा। ऐसे ही यहाँ पे अगर हमें मंथ निकालने हो, मंथ यहाँ पे निकाल ले मंथ, तो कैसे निकालेंगे, यहाँ पे भी ले लीजिए 9 और यहाँ पे एंड में है। तो अगर हमारा बिगिनिंग में है तो बिगिनिंग में तो हमने प्लस कर दिया, अगर एंड में है तो -1/2 इज इक्वल टू 8/2, तो ये हो जाएगा आपका 4 मंथ। तो इसने पैसा कितने मंथ तक यूज करा, इसने पैसा 4 मंथ तक यूज करा। और ऐसे ही आप अगर एंड में आ जाएं, तो मतलब मिडिल में आ जाए सॉरी, तो आप क्या करेंगे, मिडिल के अंदर आप मंथ निकालना हो अगर आपको मिडिल में, तो मिडिल में कैसे करेंगे आप 9/2, क्योंकि इसके अंदर हम ना प्लस करेंगे ना माइनस, इसका मतलब 9 महीने तक इसने पैसा यूज करा, 9 को 2 से डिवाइड कर देंगे तो ये हो जाएगा 4.5 मंथ। तो स्टूडेंट्स अब आपके पास टोटल ड्रॉइंग भी आ गया, मंथ भी आ गया, रेट भी है। तो अब आपको सिर्फ सिंपली फॉर्मूले को पुट करना है इस क्वेश्चन के अंदर। तो फॉर्मूले को पुट कर दीजिए, कितना है 45,000 टोटल ड्रॉइंग है, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग निकालना है तो 45,000 मल्टीप्लाई बाय रेट है इसका 5/100 मल्टीप्लाई बाय कितने मंथ तक यूज करा इसने 5/12 तक। स्टूडेंट सिंपल एज दैट क्वेश्चन है ये वाला, 1, 2, 5 से डिवाइड करो, 12 से करना इसे, 12, 3 जा 36, 9 बचा, 12, 7 जा 84.5 बचा, तो 37.5 मल्टीप्लाई बाय 25। तो स्टूडेंट्स ऐसे सॉल्व करते हैं, 37.5 मल्टीप्लाई बाय 25, 5 5 7 35 37 5 3 15 17 18 5 7 13 3 6 7 8, तो ये आ जाएगा आपका 837.5। तो स्टूडेंट्स ये आपका आ गया इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आपका 9 मंथ का 837.5 और जो बिगनिंग में है। अब हम इसी में ही हम देखेंगे मिडिल में, कि अगर मिडिल में कोई निकलता है तो मिडिल में हम कैसे देते हैं, मिडिल में हम कैसे डील करेंगे। तो मिडिल में देखिए आप, मिडिल में सॉल्यूशन करते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज इक्वल टू टोटल ड्राइंग आपकी कितनी आ गई 45,000 मल्टीप्लाई बाय सॉरी एंड में है ना ये, तो रेट इसका 5/12 जैसा हमने देखा 5% है और इंटू 5/100 आएगा यहाँ पे रेट 5/100 और 4/12 सॉरी ये आ गया आपका, ठीक है। अब आप इसे सॉल्व कर दीजिए, 1, 2, 1, 2, 1, 3 से डिवाइड हो जाएगा 15, 150, तो ये आ जाएगा आपका 750 रुपीज। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो एंड में होगा वो 750 रुपीज होगा। और अब आप यहीं पे मिडिल में आ जाइए, तो मिडिल में आप आके देखिए कैसे हो जाएगा ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज इक्वल टू 45,000 मल्टीप्लाई बाय रेट है इसका 5/100 मल्टीप्लाई बाय 4.5/12, इतना मंथ यूज कर रहा तो डिवाइड करके 10 आ गया 1, 2, 3, 1, 2, 3। 45 को 45 से करो, 5 5 25 5 4 20 मल्टीप्लाई बाय 5 डिवाइडेड बाय 12, 5 5 25 5 2 10 11 12 5 2 10 डिवाइडेड बाय 12, तो इसे सॉल्व कर दीजिए, 12 8 जा 96 5
फोर जा 48, फोर 12 थ्री जा 36.85, सेवन फाइव सेवन। तो स्टूडेंट्स ये इसका सॉल्यूशन था आपका, हर मतलब इस उसका सॉल्यूशन था ये वाला। अगर आपको मतलब आप इसे नोट कीजिए और फिर यह स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे का सॉल्व करते हैं। तो स्टूडेंट शुरू करते हैं आप। अब तक हमने 9 मंथ का देख लिया, अब हम देखेंगे यहां पर 6 मंथ्स का। 6 मंथ्स का जैसे मैंने आपको बताया था इस वीडियो में, हम 9 मंथ 6 मंथ और 3 मंथ का देखेंगे। तो अब हम 6 मंथ का देखेंगे। तो अब हम एक ही पार्टनर लेते हैं, एक ही आदमी लेते हैं, ए ए इज अ पार्टनर इन द फर्म हु विड्रॉ 30,000 per month for 6 months for personal use. According to partnership deed, the firm charged interest on drawing at the rate of 10% per annum. Calculate interest on drawing if a withdraw money, first condition in the beginning of every month. सेकेंड कंडीशन है इसकी इन द एंड ऑफ एवरी मंथ, एंड थर्ड कंडीशन है इसकी इन द बिगिनिंग हो गया, इन द एंड हो गया, सॉरी और इन द मिडिल ऑफ एवरी। तो स्टूडेंट्स ये तो हो गया आपका क्वेश्चन। अब इसका सॉल्यूशन करते हैं। देखिए एक पार्टनर है ए, इसने साफ कहा और ये क्वेश्चन मेरा लिखने का जो मोटिव है वो क्या है। एक पार्टनर है ए, उसने विड्रॉ करा पैसा 30,000 रुपए पर मंथ, 30,000 पर मंथ करा फॉर 6 मंथ, 6 मंथ के लिए। अकॉर्डिंग टू द पार्टनरशिप डीड, और पार्टनरशिप डीड मैंने टर्म लिखा, तो पार्टनरशिप डीड का मतलब क्या होता है, पार्टनरशिप इज द डीड बिटवीन द पार्टनर्स की, जिसके अंदर कोई झोलझाल ना हो। ये बिल्कुल लीगल डॉक्यूमेंट होता है पार्टनर्स के बीच में, कि कौन कितना कैपिटल देगा, कौन कितना ड्राइंग देगा, किसको कितना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा, कितना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगा, नाम क्या होगा फर्म का, ये सब किसके टाइप ऑफ पार्टनर, पार्टनर का टाइप क्या होगा, सब किसके अंदर लिखा जाता है, पार्टनरशिप डीड के अंदर लिखा जाता है, ठीक है। और उसमें चार्ज करें 10% पर एनम के हिसाब से। तो हमारा कैलकुलेटर ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालना है। अगर अगर इफ ए विड्रॉ मनी, अगर विड्रॉ ने पैसा निकाला है इन द बिगनिंग ऑफ एवरी मंथ, हर साल हर महीने शुरू में, इन द एंड ऑफ एवरी मंथ हर महीने के लास्ट में, और इन द मिडिल ऑफ एवरी मंथ हर महीने के मिडिल में। तो हमारे को ये सॉल्व करना है क्वेश्चन, तो हम सॉल्व करते हैं। चलो सॉल्यूशन करते हैं इसका। हम वैसे ही निकाल देते हैं इसको, सब छोड़ो, सबसे पहले हम टोटल ड्रॉइंग निकालते हैं सॉल्यूशन। हमारा फॉर्मूला यही रहेगा, चाहे हम कैसे भी निकालें हमारा फॉर्मूला यही रहेगा, टोटल ड्राइंग मल्टीप्लाई रेट अपॉन 100 इनटू मंथ, ठीक है। तो सबसे पहले हम टोटल ड्राइंग निकालते हैं, टोटल ड्राइंग, टोटल ड्राइंग निकालते हैं हम इज इक्वल टू
30,000 रुपीज निकाले इसने फर्स्ट सिक्स मंथ सिक्स, तो ये हो गया 1,80,000। क्लियर है? यहां तक आपको कोई डाउट नहीं होगा, क्योंकि क्यों 30,000 मल्टीप्लाई बाय 6 करा, 30,000 रुपए एक महीने में निकाले, 6 महीने में 1,80,000 रुपए निकाले, तो 1,80,000। अब हम सबसे पहले निकालते हैं बिगनिंग का। बिगनिंग में अगर उसने पैसे निकाले तो वो कैसे इसने डील करा होगा बिगनिंग में? तो बिगनिंग में हमें सबसे पहले क्या चाहिए, मंथ चाहिए। तो मंथ हम कैसे निकालेंगे, मंथ कैसे निकालेंगे, मैंने क्या बताया, अगर बिगनिंग में है तो जितना पैसा आपने निकाला, जितने महीने तक निकाला वो लिखिए, और जितना एक ड्राइंग से दूसरी ड्राइंग में गैप है, जैसे सिक्स मतलब हर महीने निकालो तो एक एक महीने का गैप है, तो इसमें एक को प्लस कर दीजिए बिगनिंग के केस में, तो ये कितना हो जाएगा 7/12 मंथ तक इसने पैसे को यूज करा, समझ में। तो अब इसका सॉल्यूशन देख लीजिए, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकाल लीजिए इज इक्वल टू 1,80,000 मल्टीप्लाई बाय रेट कितना दे रखा आपको 10%, 10/100 इंटू 7/12 निकाल लीजिए यहां से, सॉरी ये डिवाइडेड बाय 2 होना था यहां पे, सॉरी आज थोड़ा सा गलती हो गई, 3.5/12 आना था यहां पे, सॉरी 3.5/12 ये ऐसे होना था, सॉरी। तो ये हो गया यहां पे, तो डिवाइडेड बाय 10, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 12 को मल्टीप्लाई कीजिए, 12 6 बचा 15। अब 35 को 15 से मल्टीप्लाई करेंगे, जब हम 35 को 15 से, तो 5 5 25 5 3 15 और 5 20 22 3 4 5 5 525, तो ये आ जाएगा 5251। तो ये आ गया इसका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 5,250 रुपीज, ये इसका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आ गया किसका, जब हमने बिगिनिंग में निकाला। अब हम मिडिल की बात करते हैं, अगर मिडिल में हम पैसा निकालेंगे हर मंथ मिडिल में निकालेंगे, तो मिडिल में कैसे निकालेंगे, हम मंथ निकाल लेंगे सबसे पहले, मंथ निकाल लेंगे। तो मंथ में मिडिल का क्या सीन है कि जितना आपने निकाला, जितने महीने तक निकाला उसको 2 से डिवाइड कर दो, तो कितना आ जाएगा ये 3/12 आ गया। निकाल लीजिए अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग यहां से, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज इक्वल टू 1,80,000 मल्टीप्लाई बाय 10/100 मल्टीप्लाई बाय 3/12 ये आ गया। अब इसे सॉल्व कर लीजिए, 20 से 20 कैंसिल, 3 4 4 को यहां से डिवाइड करती है, 4 4 16 2 5 0, तो ये आ जाएगा 4500। तो स्टूडेंट्स ये आ गया 4500, ये आ गया 5250। अब हम निकालते हैं एंड का, एंड में क्या होगा, अब हमारे मंथ निकाल लेते हैं सबसे पहले, क्योंकि हमने टोटल ड्राइंग निकाल रखे है, हमने ऑलरेडी टोटल ड्राइंग निकाल रखे है, टोटल ड्राइंग सब में सेम होगी, मंथ निकालिए। तो एंड में 6, बिगनिंग में अगर हमने प्लस करा, मिडिल में हमने कुछ नहीं करा, तो एंड में हम 6 - 1 कर देंगे, डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 2.5/12। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकाल लीजिए यहां से, 1,80,000 मल्टीप्लाई बाय 10/100 मल्टीप्लाई बाय 2.5/10 1, 2, 3, 1, 2, 3 12 को कर लीजिए यहां से, 12 1 12 6 यहां पे चाहे 5, तो 25 को 15 से मल्टीप्लाई करना है हमें, 25 5 2 10 और 5 15 16 17 1 2 3, तो ये आ जाएगा 3750। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा क्वेश्चन 6 मंथ का। अगर आपकी कंडीशन में यहाँ पे 3 मंथ्स हो, कि अगर उसने 3 महीने तक निकाले, तो आपका शुरू में यहाँ पे 3+1 हो जाएगा, यहाँ पर क्या कितना हो जाएगा, सॉरी 3+1 हो जाएगा, यस यहाँ पे 3/2 हो जाएगा, और यहाँ पर 3 - 1/2। तो ये आपका यहाँ पे मैंने सॉल्व करके बता दिया आपको, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आज पूरा खत्म कर दिया है इस वाली वीडियो के साथ, कि अगर आपको डील करना है कि आपको पर मंथ निकाल रहे हैं, क्वार्टरली निकाल रहे हैं, 9 मंथ 6 मंथ और 3 मंथ, आपका सिंपल है, सिंपल एज दैट है, जैसे मैंने बताया वैसे वैसे स्टेप से चलिए, आपका क्वेश्चन कभी गलत हो ही नहीं सकता, ठीक है, बस कैलकुलेशन का ध्यान रखना थोड़ा सा। और मैं अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए, बहुत मेहनत लगती है वीडियो को बनाने में, मेरे को पता है कि मेरे को थोड़ा सा लेट हो गया वीडियो बनाने में, क्योंकि ड्यू टू सम हेल्थ इश्यू मैं वीडियो नहीं बना पाया, अब
ठीक है, आप रेगुलर वीडियो डाली की मेरी कल से, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, वीडियो को ज्यादा ज्यादा प्यार कीजिए। थैंक यू सो मच।